जो मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री हैं बिहार के, और मुख्यमंत्री भागे रहते हैं और सदन में, जब से वो घटना घटी है विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ उन्होंने जिस तरह से बात बोली है और शर्मसार किया है बिहार को, वो हम समझते उसी डर से, उसी लाज से वो विधानसभा आने से डरते हैं, डर से उसी लाज से वो विधानसभा आने से डरते हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बीते कई दिनों से सदन नहीं आ रहे हैं। साफ तौर पे बिहार सरकार के मंत्री पर उन्होंने आरोप लगाया था कि गलत जवाब दिया जा रहा, जब तक सही नहीं दिया जाएगा, माफ़ी नहीं मांग लेते श्रवण कुमार, तब तक वो सदन नहीं आएंगे। भाई वीरेंद्र ने इसको लेकर क्या कुछ कहा है, अब वो आप सुने। और गृह विभाग केवल झूठे आंकड़े पेश करेंगे, और हम आंकड़े पेश करेंगे सही, हमारे जो भी नेता हैं वो आंकड़े पेश करेंगे सही। तो सरकार तो कहीं नहीं खड़ी है, ये जहाँ तक अपराध का मामला है सरकार बोलने में घबराती है। राज कौन सा है, नीतीश राज? नीतीश राज है, और नीतीश राज में हर कोई असुरक्षित अपने आप को महसूस करता है। लेकिन नीतीश जी आज यहाँ है ही नहीं, उन्हीं के विभाग का। अब सवाल है कि नीतीश नहीं है, वो कभी भी विधानसभा में आना नहीं चाहते हैं। हमारे नेता तेजस्वी यादव जब विधानसभा में रहते हैं वो गायब रहते हैं, पता नहीं क्यों उनको डर लगता है कि उनके सवालों का जवाब हम नहीं दे पाएंगे। इस डर के वजह से वो निश्चित रूप से सच्चाई से भागना चाहते हैं। सत्र के दौरान तेजस्वी भी काफी दिनों तक नहीं लगातार रहे, उनके पिताजी बीमार चल रहे हैं, उनके इलाज के लिए भी वो दिल्ली गए थे और रांची भी गए थे, ऐसी बात नहीं है। वो उनके अनुपस्थिति में हम सारे लोग देखते हैं, वो रहते भी है, कल भी थे वो, आज भी वो रहेंगे। जो मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री हैं बिहार के, और मुख्यमंत्री भागे रहते हैं और सदन में, जब से वो घटना घटी है विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ में उन्होंने जिस तरह से बात बोली है और शर्मसार किया है बिहार को, तो हम समझते उसी डर से, उसी लाज से वो विधानसभा आने से डरते हैं। कुर्सी खींच जाने के डर से कहीं हुए आपको चले गए हैं यूपी क्या? हमको लगता है ऐसा ही, उनको डर है, और कुर्सी के बहुत प्रेमी हैं और कुर्सी कुमार के नाम से जाने भी जाते हैं, इसलिए वो अपने डर को बचाने के लिए सांप्रदायिक शक्तियों से तो हाथ मिलाए हुए हैं ही, और जो ज़्यादा सांप्रदायिक दंगा करने वाले लोग हैं उनके समारोह में शिरकत करने जा रहे हैं। क्या लगता है कि भाई वीरेंद्र जी, एक सवाल है कि जिस तरह से मुकेश सहनी को बीजेपी ने खत्म कर दिया, अब किसका नंबर हो सकता है? अब सवाल है उनका NDA का मामला है, इस पर हमें बयान देना उचित नहीं है, आप आगे देखते रहिए होता क्या क्या है। अभी 77 किए हैं, हम सरकार बनाएंगे आने वाले दिनों में, आप शांति रहिए। तो आपने सुना मुख्य प्रवक्ता राजद के भाई वीरेंद्र को, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि तेजस्वी यादव सदन नहीं आ रहे, इसके पीछे मुख्य कारण जो है वो उनके पिता की तबीयत जो है वो ज़्यादा ख़राब है, यही कारण से तेजस्वी यादव सदन नहीं आ रहे हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री आज उत्तर प्रदेश गए, उसको लेकर भी भाई वीरेंद्र राजद कह रही है कि सांप्रदायिक ताकतों के सामने नीतीश कुमार झुक गए हैं। यही वजह है कि सांप्रदायिक ताकतों यानी कि योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री जो है उपस्थित होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विधानसभा अध्यक्ष के बीच जिस तरीके से सदन के अंदर जो बात विवाद हुआ था उसको लेकर भी राजद खासतौर पर नाराज़गी है राजद में, और कह रही है कि नीतीश कुमार जो है वो कहीं ना कहीं सांप्रदायिक ताकतों के साथ मिल गए हैं, और जो रवैया उनका रहा था वो बिल्कुल भी गलत था। बता दें कि तेजस्वी यादव भी बीते कई दिनों से वो सदन नहीं आ रहे हैं, हालांकि राजद इसके पीछे का कारण बता रही है कि पिताजी का तबीयत यानी कि लालू प्रसाद यादव की तबीयत जो है वो ख़राब होने का कारण तेजस्वी सदन नहीं आ रहे हैं, कि बेटे के लिए बाप की सेहत को देखना बेहद ज़रूरी हो जाता है। इसको हम देखते हैं, देखते रहें बिहार। नमस्कार।